हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, हैप्पी होंगे। नहीं हो तो हो जाएं, खुद का ख्याल रखें, खुद की खुशियों का ख्याल रखें। तो चलिए चेक करते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज की इवनिंग में, उनके इवनिंग फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, क्या है आपको लेकर उनकी एनर्जी, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी इस रीडिंग को आप वॉच कर सकते हो। तो सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, जो भी आपके मन में हैं आपके पार्टनर, उनको अपने मन में रखें और साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। सभी साइंस वालों के लिए है ये रीडिंग, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए? मैं से देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है आपके हार्ट पर फिर से नॉक करेंगे, जो आपके पार्टनर जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में थे या फ्रेंडशिप में थे, या फ्रेंड जोन कर दिया था आप दोनों ने, या आप दोनों में से किसी एक ने, या फ्रेंडशिप था। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके हार्ट को नॉक करने वाले हैं कि क्या मैं यहाँ अंदर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। तो बिल्कुल ये व्यक्ति आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके राइट पार्टनर हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, अगर कोई है इनके लाइफ में जो कि पूरी तरीके से इनको संभाल सकता है, इनके मूड स्विंग्स को झेल सकता है, या ये जैसे भी हैं कोई इनको हैंडल कर सकता है, कोई काफ़ी अच्छे से इनको संभाल सकता है, जिनके साथ ये खुश रहते हैं, कोई इनको खुश रख सकता है, इनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, कोई इनको कंट्रोल कर सकता है, तो वो सिर्फ आप हो। ठीक है, तो आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरह देख रहे हैं, आपको अपने अदर हाफ की तरह देख रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल वीडियोज़ ये देख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल वीडियोस ये देख रहे हैं, ये इन्होंने रिसेंटली देखा है, और वो देखकर इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप इनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो, आपके साथ कुछ ना कुछ कॉस्मिक कनेक्शन है, आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, आप अदर हाफ हो, इस तरह से ये आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, बिहेवियर का या रंग का या बैकग्राउंड का, किसी भी तरह का हो सकता है, पर हाँ ये आपको अपना परफेक्ट मैच देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये गुस्सैल हैं काफ़ी तो आप शांत हो, अगर ये शांत हैं तो आप काफ़ी गुस्सैल हो सकते हो, पर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, या आप दोनों एक दूसरे को ऐसा है ना एनर्जी के संभाल लेते हो। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट मैच मुझे दिखाई दे रहा है। कोई टॉक्सिक एनर्जी हो सकता है, किसी तरह का नेगेटिविटी हो सकता है, वो समझ आ गई है कि किसको अलाउ करना है अपने लाइफ में, किसको नहीं करना है, क्योंकि कुछ टॉक्सिक अनहेल्दी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स के रूप में थे या किसी भी रूप में थे। तो अब इनको समझ आ गई है कि किनका सुनना है, किनका नहीं सुनना है, क्योंकि किसी का सुनकर तो इन्होंने जो नहीं करना चाहिए था वो किया था, या तो डिले किया था आपकी यूनियन में, आपके साथ आने में, आपको प्रपोज करने में, या आपसे दूरी बनाई थी, या इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया आप दोनों के बीच। ठीक है, या इनको कोई रोकता था, रोकती भी थी। ठीक है, कोई मेल फीमेल या जो भी उनका जेंडर है, किसी तरह का लोग हैं इनके लाइफ में या थे कहना चाहिए, जो कि इनको रोकते थे। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी खुश हो रहे हैं, काफ़ी हैप्पी हो रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच बातचीत हुआ है, या आप दोनों मिले हो, आप दोनों कंप्लीशन में आए हो, यूनियन में आए हो, या फ्रेंडशिप हुआ है आप दोनों के बीच, या किसी पार्टी में, किसी प्लेस पर इन्होंने आपको देखा है। ठीक है, इन्होंने कुछ परसिस्ट किया है, कुछ हासिल किया है, इनका प्रमोशन हुआ है, या किसी न किसी तरह का खुशियां आई है इनके लाइफ में, इनके फैमिली में ऐसा हो सकता है, या आप दोनों के बीच आए हैं, ये काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इनका ये सोच मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको पा लिया है, जो भी सिचुएशन हो इन्होंने आपको पा लिया है, या आपको कैसे पाना है, आपको कैसे कन्विंस करना है, आपको अपनी लाइफ में कैसे लाना है, या आपकी लाइफ में कैसे आना है, इनको रास्ता मिल गया है,
आपके दिल तक पहुंचने का या आपको कन्विंस करने का, आपको कैसे पटाना है ये जान लिया है इन्होंने, ठीक है। कोई इनके फ्रेंड्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या किसी के थ्रू ही आप तक पहुँचेंगे, ठीक है, या फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉलो किया है कहीं पर सोशल मीडिया पर, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है इन्होंने, आपने एक्सेप्ट किया है, या आपसे बात हुआ है, कुछ हुआ है यहाँ पर अच्छी चीज़ें आप दोनों के बीच, आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, या इनको काफ़ी अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो आप जाने अनजाने में, जैसे ये काफ़ी खुश हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों का कंप्लीशन हो चुका है, साथ में आ चुके हो, आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप हुआ है, या बातचीत हुआ है, या मीटिंग हुआ है, यह तो होने जा रहा है, जिसको लेकर ये काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी खुश हैं, हैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये कहीं खुद को स्टक पाते थे, ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पर बंधा हूँ या बंधी हूँ, तो इस सोच से निकले हैं, ये इस एनर्जी से निकले हैं, ठीक है, जहाँ पर अब ये खुलकर आपके साथ ज़िंदगी को जी सकते हैं, खुलकर आपके साथ फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ इनको रोकती थी, ठीक है, किसी तरह का थर्ड पार्टी था या किसी तरह का डिफरेंशियस था, इनका सोच ऐसा था कि मैं यहाँ पर बंधा हूँ, इस वजह से मैं इसके साथ नहीं आ सकता या इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, पर उस सोच से बाहर आए हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोच मुझे इनका दिखाई दे रहा है। तो अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब कोई चीज़ मुझे नहीं रोक रही है, जो कि मैं इसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, मैं इसे रिश्ते में आ सकता हूँ इनके साथ, तो अब ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है हम दोनों के बीच जो कि मुझे रोक रहा है, या तो उनको, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दिया है। एक मैसेज आपके लिए आ रहा है, लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको कन्विंस करे, या कोई पर्सन आपके लाइफ में है जो कि आपको कन्विंस करे कि आपके साथ फिज़िकल होना है, आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आना है, आपको हासिल करना है, आपका शरीर हासिल करना है। ऐसे पर्सन से बचकर, ऐसे पर्सन कभी आपके लिए राइट हो ही नहीं सकते, ठीक है, जो कि सिर्फ आपको फिज़िकली हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, कोई शादी वगैरह नहीं है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कमिटमेंट छोड़ो, अगर यहाँ पर शादी नहीं है, अगर आप दोनों अनमैरिड हो, ये किसी तरह का डिफरेंसेस है, इनके मीठी मीठी बातों में मत आइएगा। और अगर ये व्यक्ति ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, आपसे बात किया इन्होंने कि मुझे तुम चाहिए, किसी का कमेंट मैंने पढ़ा, आप लोगों में से किसी का, उनका शायद इस तरह का मैसेज था, कमेंट था कि उनका उनके पार्टनर के साथ बातचीत हुआ, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया या आपने उनको कांटेक्ट किया, पर बातचीत ये हुआ कि वो आपको हासिल करना चाहते हैं और आपने मना किया, तब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। यानी कि शायद आपने मना इसलिए किया क्योंकि आपको फिज़िकल नहीं होना है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है यहाँ पर, या श्योरिटी नहीं है, ना ही वो आपको श्योरिटी दे रहे हैं, या शादी नहीं है, तो आपने मना कर दिया, तो उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया गुस्से में कि अगर तुम्हें मेरे साथ फिज़िकल नहीं होना है तो तुम मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के एनर्जी में आकर। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो व्यक्ति आपके लिए राइट नहीं है, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है ना, तो आप ज़िंदगी भर के लिए ब्लॉक कीजिए, पलट कर मत देखिएगा उनको, ठीक है। आप अटैच हो या प्यार करते हो, आपका प्यार सच्चा है, पर उस व्यक्ति ने दिखा दिया आपको कि उनका प्यार क्या है, ठीक है। तो सिर्फ जो व्यक्ति आपको फिज़िकली हासिल करना चाहता है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई शादी नहीं है, पर वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं फिज़िकली, राइट नहीं है, क्योंकि देख पा रही हूँ रीडिंग में भी कुछ इस तरह की एनर्जी आया है कई लोगों के लिए। अगर आपका पार्टनर आपका शरीर हासिल करते हैं और कोई शादी वगैरह नहीं है, ज़रूरी नहीं है फिज़िकल होना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, रिश्ते में इमोशनली मेंटली पास आइए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, क्या जल्दबाजी है एक खोने का, जल्दबाजी क्या है। तो सामने वाले पार्टनर ने क्लियरली आपको दिखा दिया है कि वो आपके लायक है कि नहीं, और जो व्यक्ति इस तरह का आपको ट्रीट कर रहा है,
जिंदगी भर के लिए ब्लॉक करें उनको, वो आपका लायक है ही नहीं है आपके लाइफ में। आपको खुद को वहाँ से छुड़ाना है जहाँ पर आप काफ़ी अटैच फील कर रहे हो। आपने उनके साथ ज़िंदगी शेयर करना चाहा था, आपने बहुत कुछ शेयर किया है, अपना टाइम शेयर किया है, अपना वक्त दिया है। आपकी फीलिंग्स ट्रू है, सच्ची है या थी, इस अटैचमेंट से बाहर आइए, इस एनर्जी से बाहर आइए, आप मूव ऑन कर सकते हो। आपकी लाइफ में ट्रू फ्रेंडशिप है, ट्रू लवर है, आपका अपना सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है जिनसे आप मिलोगे। 2 to 3 months के अंदर या वीक्स के अंदर या 15 weeks के अंदर, ठीक है, आप डेफिनेटली मिलने वाले हो। कोई फीमेल एनर्जी आप दोनों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या आपके यूनियन में सपोर्ट करेंगे। आपकी मदर, उनकी सिस्टर, आपके सिस्टर या फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आपके ट्रू लवर हैं, आपके सोलमेट हैं। उस टॉक्सिक पर्सन को निकालिए, या उस अनहेल्दी पर्सन को, या उस व्यक्ति को, उस हर्षी को, ठीक है, जो कि इस तरह का ट्रीट कर रहा है आपको या कर रही है, तो उनको निकालने की ज़रूरत है। और आगे बढ़िए, आप मूव ऑन कीजिए। बिल्कुल भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, वो डिज़र्व ही नहीं करते कि आप उनके लिए थोड़े से भी स्ट्रेस लो, आंसू बहाओ। अपना वैल्यू कीजिए, ठीक है। जो आपका शरीर मांग रहा है या मांग रही है, वो कैसे आपके लिए राइट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, कोई शादी नहीं है। क्यों ज़रूरी है ये, क्यों फिज़िकल होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, समझिए, ठीक है। सामने वाले पर्सन खुद ही दिखा देते हैं कि वो कैसे हैं, भले ही हम नहीं समझ पाते कभी कभी, पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एनर्जी मुझे मिल रहा है यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, ठीक है, कि ऐसे पर्सन को आपने जान लिया है। उन्होंने दिखा दिया अपनी सच्चाई कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। तो निकालिए अपने लाइफ से उनको और मूव ऑन कीजिए, ठीक है। खुद को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, कैरियर पर फोकस करें, अपने फैमिली पर फोकस करें, अपने ट्रू फ्रेंड्स पर फोकस करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ। मेडिटेशन कर सकते हो, पॉजिटिव वीडियोस देख सकते हो, आप फनी वीडियोस देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, कॉमेडी मूवी, ठीक है, या मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, आप स्पिरिचुअल वीडियोस देख सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है खुद को हील करने का। आगे बढ़िए, उस सीटर से या उस हर्षिस्ट से तो आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है, उस व्यक्ति से जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, जो या जो व्यक्ति आपको शादी नहीं दे सकते, जो व्यक्ति आपके साथ, जो व्यक्ति आपका नहीं हो सकता इमोशनली, मेंटली या सोशली, हर तरह से, जो आपका हो ही नहीं सकता, जो आपसे शादी नहीं कर सकते, या जो शादी के बिना आपसे ऐसे मांग रहे हैं, ठीक है, जो आपका ट्रू लवर नहीं है, आप अपनी बातें अपनी मदर से या सिस्टर से शेयर कर सकते हो, या आपके ट्रू फ्रेंड से, जो आपके लॉयल फ्रेंड है, जो आपके ऑनेस्ट फ्रेंड है, या अपनी मदर सिस्टर, या अपने फैमिली में किसी मेंबर से आप शेयर कर सकते हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। साइलेंट हो जाइए कुछ वक्त के लिए, खामोश हो जाइए। यूनिवर्स बताए मुझे आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। सबके लिए यहाँ पर हवशी पार्टनर नहीं है, ठीक है, कुछ लोग के लिए पार्टनर नहीं कहना चाहिए मुझे ऐसे पर्सन को, ठीक है। तो ऐसा देख पा रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी सही हैं, ऑनेस्ट हैं, वो लॉयल हैं, वो हवशी नहीं है। उस व्यक्ति को आपका शरीर ही नहीं चाहिए करेंटली, ठीक है, आपके साथ फ्रेंडशिप करना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको समझना है, खुद को समझाना है। अपनी मदर से बातें करा सकते हैं, या सिस्टर से, अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको उनसे प्यार हो जाए,
या आप उनको लाइफ टाइम के लिए वो व्यक्ति आपके हार्ट में प्लेस बना लें, उनकी ये पूरी कोशिश होगी उस सच्चे पर्सन के, ठीक है, जो सच में आपका ट्रू लवर है, ये जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे, वो ऐसे कभी काम नहीं करेंगे जिसका आपका जिससे आपका जो इमेज है वो ख़राब हो लोगों के सामने, आपकी फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने, सोसाइटी के सामने, उनकी ये पूरी कोशिश होगी, ठीक है। सिर्फ उसी तरह के बातें नहीं करेंगे, इनके बातों से ही, इनके बिहेवियर से ही, इनके एक्शन से ही आप जानोगे कि ये व्यक्ति कैसे हैं। तो ये गंदी गंदी बातें नहीं करेंगे, ये सेक्स की बातें नहीं करेंगे, आपको सेड्यूस करने की, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बातों से, अपने टच से, एक्शन से, ठीक है, आपसे अच्छी बातें करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको। अगर कहीं पर आपका रिश्ता किसी के साथ सही नहीं है, वहाँ पर सही करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके फैमिली में किसी मेंबर के साथ या किसी के साथ नहीं बन रही है, इनसे शेयर कर रहे हो आप, तो ये व्यक्ति ना आपका ग्रोथ कराएगा या कराएगी, क्योंकि देख पा रही हूँ मैं, ये व्यक्ति आपको एक मदर की तरह, ये ना आपके लिए आपके ट्रू फ्रेंड होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, आप इनमें अपनी मदर की छवि देखोगे, ठीक है। ये काफ़ी शेयरिंग है, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी स्वीट है, लविंग है, नर्चरिंग है, ये सही आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, ये आपको कंट्रोल नहीं करते, आपको डोमिनेट नहीं करते, ठीक है, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको रुलाते नहीं हैं, ये आपको हर्ट नहीं पहुँचाते, नहीं पहुँचाएंगे आपको हर्ट, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए राइट हैं तो ये दिखा देंगे, और अगर ये आपके लिए रॉन्ग है फिर भी आपको दिखा देंगे, ये ऑलरेडी दिखा रहे हैं। कोई ओवरथिंक कर रहे हैं आपके लिए, जिसको आपने रिजेक्ट किया है, मना किया है, या जिसने आपको ब्लॉक किया है, या जिस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है, बातचीत हुआ है, या आपने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, या उस व्यक्ति ने खुद ही आपको ब्लॉक किया, कोई व्यक्ति काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कोई आपको पाना चाहता है अभी भी या चाहती है, तो उनसे अवेयर रहें, ठीक है। जिसने ब्लॉक किया है, ज़िंदगी भर के लिए ब्लॉक करो, अगर वो टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, या हर्षी है, फिर से कह रही हूँ। कोई आपको लेकर ड्रीम देख रहा है, ठीक है, आपका ट्रू लवर, या तो आपके ट्रू लवर का आपको सपना आने वाला है, देखिएगा कि आप ड्रीम में किसको देख रहे हो। अगर कोई ऐसे पर्सन आपके सपने में आ रहे हैं जो कि राइट नहीं है, तो हो सकता है कि आप उनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना आपके ट्रू लवर, ये आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, आपको टेंशन नहीं देंगे, आपका दिमाग ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपके ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप इनके ड्रीम बनोगे, और स्ट्रेंथ करेज के साथ ये व्यक्ति, सच कह रही हूँ, आपके साथ यूनियन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे, करेंगे, और आपसे भी यही चाहेंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपके ट्रू लवर के लिए, आप एक क्वीन हो या किंग हो, प्रिंस या प्रिंसेस हो, वो आपका काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ईगो नहीं होगा आपके ट्रू लवर में, अगर ईगो भी हुआ तो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आजकल हो रहा है, बिना मतलब का ईगो इशू, ठीक है, इतना ज़्यादा ईगो उनमें नहीं होगा कि आपके रिश्ते को ख़राब करें या आपका दिमाग ख़राब करें। ठीक है, इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से ही आप जानोगे कि ये कैसे हैं, तो ख्याल रखें इस बात का। और अगर किसी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको यहाँ आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, लव यू ऑल, आई लव यू।